हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान पूरा हो गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में मतदान कराए जा चुके थे। हरियाणा में वोटिंग खत्म होते ही सबकी नजरें दोनों प्रदेशों के एग्जिट पोल पर हैं। नतीजे 8 अक्टूबर यानी मंगलवार को आएंगे। इससे पहले शनिवार शाम को अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी किए गए। एग्जिट पोल के नतीजों की सटीकता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों चुनावी प्रदेशों के पिछले नतीजे और एग्जिट पोल के आंकड़े क्या थे, आखिर उस समय एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित हुए थे या नहीं। इसे आप समझ पाएंगे कि यह पोल कितना सटीक होता है, क्या इनमें किए गए दावे सटीक होते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल को लेकर तमाम लोग ये दावा करते हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं। इन पोल में पिछली बार क्या कहा गया था और बाद में नतीजे क्या निकले, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 21 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए थे। 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना कराई गई थी। वहीं 2014 में जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 87 सीटों वाली विधानसभा के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2014 तक 5 चरणों में मतदान कराए गए थे। 2014 के एग्जिट पोल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने का अनुमान जताया गया था। तो सबसे पहले हरियाणा के एग्जिट पोल की बात करते हैं, जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया था, जिसमें सबसे पहले IPSOS ने किया था और ये अनुमान जताया था कि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 10 सीटें तब जाने का अनुमान जताया गया था। अन्य के खाते में कुल 4 सीटों की संभावना जताई गई थी। तब टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में ये दावा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी 90 में से 71 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर सफलता हासिल कर सकती है। अन्य को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई। जन की बात ने 2019 के एग्जिट पोल में ये दावा किया था कि हरियाणा में बीजेपी को 52 से 63 और कांग्रेस को 15 से 19 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में कुल 7 से 10 सीटें जाने की संभावना थी। सी वोटर की अगर बात की जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये दावा किया था कि हरियाणा में बीजेपी को 72 सीटों पर जीत मिलेगी, जबकि कांग्रेस को 8 सीटों पर सफलता मिलेगी। इसके अलावा अन्य को कुल 10 सीटों पर अनुमान मिलने का ये अंदाजा जो है लगाया गया था। हालांकि जब नतीजे आए थे तो ये सारे एग्जिट पोल काफी हद तक गलत साबित हुए थे। जहां अनुमानों में सत्ताधारी भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया गया था, वहीं नतीजों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो बनी लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सत्ताधारी भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों पर जीत जरूरी थी, लेकिन तब भाजपा बहुमत से दूर रह गई थी। भाजपा को सबसे ज्यादा उस समय 40 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस 31 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। विधानसभा चुनाव में जजपा यानी JJP को 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। 7 निर्दलीय इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLO, 1 और हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। चुनाव के बाद 10 सीटों वाली जजपा के साथ BJP ने गठबंधन किया और राज्य की सत्ता में वापसी की थी। मतलब 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे। एग्जिट पोल में दिखाए आंकड़े गलत साबित हुए थे। जहां ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी को 70 सीटों के आसपास मिल सकती है, वहीं जब नतीजे आए यानी कि 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूरी तरीके से एग्जिट पोल फेल साबित हुआ था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। 2014 में जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 87 सीटें वहाँ थी और 25 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर 2014 तक कुल 5 चरणों में मतदान हुआ था। 2014 के एग्जिट पोल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने का अनुमान जताया गया था। जम्मू कश्मीर में सत्ता में किसकी वापसी होगी, इसका अनुमान स्पष्ट नहीं था। हालांकि उस वक्त 87 सीटों वाले जम्मू कश्मीर में PDP और BJP दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी थी। तो 2014 में जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल क्या था, चलिए आपको बताते हैं। सी वोटर का ये अनुमान था कि PDP को 32 से 38 सीटों पर सफलता मिलेगी और BJP को 27 से 33 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 से 14 सीटों पर और कांग्रेस को 4 से 10 सीटों पर सफलता मिलेगी। न्यूज नेशन का ये दावा था कि जम्मू कश्मीर में यानी जब 2014 में अंतिम बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब न्यूज नेशन का ये दावा था कि PDP को 29 से 33 और BJP को 22 से 26 सीटों पर सफलता मिलेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 से 16 और कांग्रेस को 5 से 9 सीटों पर सफलता मिलेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के 2014 के एग्जिट पोल काफी हद तक सही साबित हुए थे, क्योंकि जब नतीजे आए थे तो 87 सदस्यों वाली विधानसभा में महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली, जो कि आज काफी हद तक सटीक था। वहीं दूसरे स्थान पर भाजपा थी, जो 25 सीटों पर जीतने में सफल रही। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 जबकि कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली। 3 सीटों पर निर्दलीय तो 4 सीटों पर अन्य छोटे दलों को जीत मिली थी। नतीजों से साफ था कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो जम्मू कश्मीर में जब लास्ट टाइम यानी 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब जो एग्जिट पोल
आए थे वो काफी हद तक सटीक हुए थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।